अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत अरसे बाद दोबारा, क्योंकि मैं हर व्लॉग में यही कहता हूँ कि बहुत अरसे बाद हम दोबारा आ रहे हैं, और वाकई बहुत अरसे बाद आए। मेरे साथ मेरा दोस्त है हमजा, और अभी हम लोग निकले हैं, वीकेंड है तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है लाहौर में, और ट्रैफिक की डिस्ट्रक्शन हो रही हो तो बर्दाश्त कर लेना, कोई मसला नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये डबल जैकेट पहनी हुई भाई, डबल जैकेट्स पहनी हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना बादशाही मस्जिद वगैरह। खान साहब ने मेरे ख्याल में परसों चले ही जाना है, तो हमने कहा चलो विजिट वगैरह करवा दें इनको, पहले तो अभी खाना खा लेते हैं, अभी खाना खाते हैं चलें, फिर हम वहाँ चलते हैं बादशाही मस्जिद वगैरह। चलो चलो चलो। यार हम लोग अभी पहुंच गए हैं मीनार पाकिस्तान, और इधर यार पहुंचने के बाद मुझे तो मैं समझ रहा था कि यार ये जो जगह है ना, इधर आवाम तो नहीं आती होगी, क्योंकि आवाम ही है, लेकिन इतना रश है इधर यार, जैसे पता नहीं कोई फेस्टिवल हो रहा है, और फ्री का फेस्टिवल हो रहा है। आज हैप्पी संडे, आज फैमिली डे है भाई, फैमिली डे है, लेकिन हम लोगों को छोड़ोगे, इन्होंने दाखिल होने दे दिया। तो भाई आवाम आप देख सकते हैं कितनी आवाम है हमारे इस गिर्द, इसलिए आने दिया, हमने मास्क पहना हुआ था ना उन्हें लगा कि कोई नहीं, हम लोग मेरे ख्याल में फैमिली के साथ एंटर हुए हैं शायद, इसलिए उन्होंने नहीं नहीं हमने मास्क पहना हुआ था ना, उन्हें लगा कोई कपल हो सकता है। सही है भाई, सही है। चले अभी हम चल रहे हैं मीनार पाकिस्तान, लेकिन लोग जो यहाँ पे फोटोग्राफी करवा रहे हैं भाई, ऐसे कहते हैं मीनार पाकिस्तान को, ऐसे कहाँ गया मीनार पाकिस्तान, हमें नजर नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे पकड़ते हैं और शो करते हैं कि हम और मीनार पास से नीचे आ जाता है भाई। यार मेरे हाथ में ना कैप है, शायद मैंने कहा सर्दी होगी इसलिए पहन लूंगा, इसलिए मैं ले आया हूँ। खैर चलो कोई मसला नहीं है। बहरहाल गेम सारी ऐसे कि भाई आवाम जो है ना वो फुल इंजॉय कर रही है इन जगहों पर, तो कैंगो सीन चल रहा है। मुझे तो लग रहा था भाई कोई सीन नहीं होगा, कोई सीन नहीं होगा, लेकिन सारी इस बंदे की बरकत है शायद, देख लो इसने कहा चलते। देखो भाई बंदा तस्वीर कैसे बनवा रहा है, देखो मीनार पाकिस्तान के नीचे ना वो ऐसे करवा रहा है कि मीनार पाकिस्तान इसके पास इसके हाथ के ऊपर आएगा और ये तस्वीर बनवा रहा है। फोटोग्राफर भी देखो बनाने वाला, क्या चीज़ होगा यार, क्या बात इन लोगों की, लख लानत थी भाइयों और उनकी बहनों। यहाँ पे भाई कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ पे टिकटॉक ना बन रही हो, कसम खुदा की। आप भी अच्छा मोबाइल ले लेते 13 Pro Max के, यार वो तो इन्फिनिक्स के साथ लोग टिकटॉक बना रहे हैं, बाद में मेरे खराब हो गए टिकटॉक देख देख के। ये बड़ी प्यारी जगह थी यार जहाँ पे फाउंटेन चलते थे मेरे ख्याल में किसी दौर में, अब तो खैर बंद हो गए। अभी हम लोग जा रहे हैं जरा बादशाही मस्जिद वाली साइड पर, किले वाली साइड पर, मेरे ख्याल में बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो अब गेम ऐसे लोग ना बच्चे बनाते हैं, लेजेंड जो होते हैं वो भी लोग बनाते हैं। ओह माय गॉड हमजा खान साहब, क्या बात है आपकी। तो अभी वहां चलते हैं किले और किला और बादशाही मस्जिद चलते हैं, टाइम कम है, मगरिब होने वाली है, लेकिन जल्दी जल्दी चलते हैं और जल्दी और व्लॉग निपटाते हैं जल्दी से। सेवरल बैड पन्स लेटर नाजरीन, दुनिया यहाँ पे डेटे मारने आई हुई है, ठीक है, अपनी अपनी बच्चियाँ लेकर अपने अपनी बेबीज लेकर लोग घूम रहे हैं, और मैं एक अपने यार को लेकर घूम रहा हूँ। हम जा रहे हैं कुदरत मस्जिद नमाज पढ़ने, कुदरत कुदरत का बस ये जो है ना कानून, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों उसने अभी तक हम लोगों को इतने शरीफ बच्चे, हम लोगों को अभी तक इस चीज से महरूम रखा हुआ है। मैं अपने यार को लेकर घूम रहा हूँ, ये मुझे लेके घूम रहा है, लोग देखो अपनी बेबीज लेके घूम रहे हैं यार, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नाजरीन हुकूमत की तरफ से एक और नुकसान हो गया, बल्कि हुकूमत का नुकसान हो गया। ये देखे अभी ट्रेन जिसने पटरियों पर चलना होता था, जो वो सड़कों पर चलाने के नुकसान यही है, नहीं हुआ ये आपके नुकसान हुआ सर, पीएम से बात की हुकूमत है ये आ रही, तो पीटीआई वाले हर चीज पीटीआई वाले उन पर डालते हैं ना, ये बड़ी गंदी बात होता है। ये जो लोग हैं कैमरा लेके नारन कागन जाते हैं, इस करदू के रोडो पे हैं जी पैशी पे चलाते हैं, इनके जैसा ऊंचा अपना नाम करना है, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है। हाँ भाई शाही किला की टिकट खरीद रहे हैं, मुफ्त नहीं ली, ऐसे गलत कहानी ना करो ना। असल बात ऐसी हुई कि जो वहाँ पे औरत बैठी हुई थी ना, लड़की थी, वो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी हमारे साथ कि भाई असल में ना हम लोग मेरे ख्याल में लास्ट वीक आए थे, तो लास्ट वीक 50 की थी, तो अभी कह रही 100 की टिकट हो गई है, तो
मैंने फिर उसे पता किया तो वो कहते कि 100 की बोर्ड पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे अच्छा खासी तो बहस हुई। लेकिन एक वो बंदा बैठा हुआ था जिस जो इनका सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर ने कहा हमें स्टूडेंट कार्ड दिखा दे। मैंने स्टूडेंट कार्ड दिखाया, हमने 5 ले ली 150 के अंदर। वाह, हमने तो नहीं दिए ना पैसे, वही देख उन्होंने हमें भी दिला दी। हमने कहा, उन्होंने कहा भाई देखें आप यहाँ पर, आपको हम भी अपनी तरफ से टिकट से दिला देंगे। चलो भाई ठीक है, नेक लोग मिल जाते हैं, लोगों के लिए आवाज उठाओ। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला मदद फरमा देता है। कल अभी हम किले के अंदर एंटर हो गए, इस तरह से चलते हैं यार। आज माशाल्लाह से हमें पाकिस्तानी कौम होने पर फख्र महसूस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर ना ऐसे लिबास मौजूद हैं जो पड़े हुए हैं, और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो पहनकर तस्वीरें बनवाते हैं और अपने आप को नवाब के दौर का वो समझ के फेसबुक पे हैशटैग नवाब नवाब लाइफ हैशटैग ये वाली लाइफ के साथ शेयर करते हैं। तो फिर भाई अपने आप को नवाब समझते हैं। लगेगा ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 50 रुपये लगेगा ना, आप ही नवाब लगेगी, चेयर भी पड़ी गई, क्या कह रहा है 50 रुपये का जी, 50 पिक्चर 50 रुपये में। इतना सस्ता नवाबों को कर दिया इन लोगों ने यार, कितनी ज्यादती की बात है, बहुत ज्यादती की बात है। पूरे शाही किले के अंदर ना सिर्फ इसी जगह पे सुकून है, पूरे शाही किले के अंदर, क्योंकि इधर लोग जो है ना सेंसिबल लोग सारे आए हुए हैं और अच्छे तरीके से रह रहे हैं। दूसरी बात सारी ऐसे है सर, घुमा दी है, सब कुछ घुमा दी, और देखो यहाँ पे इनकी जो तामीरात हैं सारी नवाबों की, और लोगों ने नवाबों के ड्रेस को 50-50 के अंदर वो लगा दी है, नीलामी के ऊपर लगा दी। आप भी बैठ जाए, आप भी 50 में नवाब बन। सही बात है भाई, वालदैन का ख्वाब होता है कि हम अपने बच्चों को कोई बड़ा आदमी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी वालदैन का पता है ख्वाब क्या होता है कि हम अपने बच्चों को शाही किला लेकर जाएंगे, शाही किला लेने के जाने के बाद यहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे तोप के ऊपर बिठाएंगे और इनको नवाबों वाली फीलिंग देंगे कि नवाब की तोप के ऊपर हम बैठे हुए हैं। वाह, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। हाँ यार, हम लोग पहुँच गए तो बादशाह मस्जिद के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं, और यार रश बहुत ज़्यादा है। मैं तो हमसे कह रहा हूँ चलें, लेकिन आप खुद ही देखें रश कितना ज़्यादा रश है यार, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। तो मैं तो उसको कह रहा हूँ कि चलते हैं वापस, मगर हमजा साहब जो है वो मान नहीं रहे कि अभी नहीं जाना नहीं जाना। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चलें हमजा साहब की खातिर हम आए हैं और चलते हैं बादशाह मस्जिद, मगरब की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो उसकी लाइट्स वगैरह चलेंगी वो भी अलग सीन है। तो चलते हैं फिर अब। मैं कैमरा कैसे उठाऊं, हाथ में यूकी ले ली है, सिनेमैटिक स्लो मोशन भी हर वीडियो में जरूरी है, अच्छा सा ड्रोन लेके उसे उड़ाना है, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है, व्लॉग भी व्लॉग भी व्लॉग। हाँ तो यार बस हम लोग अभी बादशाह मस्जिद वगैरह से होकर आ गए थे, और अभी हम लोग हैं फूड स्ट्रीट के अंदर, और फूड स्ट्रीट के हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हवेली में जाया जाए या नहीं जाया जाए, लेकिन हमजा खान साहब कह रहे हैं कि हम तो खाते हैं लंगर, और लंगर दादा साहब का। मैं कहता यार एक दफ़ा खाना अच्छा खा लो, कोई मसला नहीं है महीने में, लेकिन खान साहब कह रहे हैं नहीं। तो सर गेम फिर ऐसे है कि बस अभी हम यहाँ से भी निकल रहे हैं फूड स्ट्रीट से, और बस फिर अनारकली वगैरह जाना है इन लोगों ने, हमजा खान साहब ने थोड़ा सा, तो फिर गेम ऐसे है कि बस यहीं पर हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट इस चैनल पे लाजमी कर देना, क्योंकि थोड़ा सा मसला चल रहा है मेरे चैनल का, तो सपोर्ट कर दो ठीक है। थैंक यू सो मच भाई को, थैंक यू सो मच, अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। हाँ जी सर इंशाल्लाह। तो खैर यार बहुत शुक्रिया सबका, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द अच्छे अपने पन के साथ, हमारे साथ रहिए, अल्लाह हाफिज़।